करनाल में पहली बार फ्री चिकन एवं अंडे मेले का आयोजन सेक्टर 12 सुपर मॉल के समीप 4 मार्च को किया जाएगा। यह जानकारी ब्रायलर ब्रीडर एसोसिएशन नॉर्थ जोन के प्रधान गुरविंदर बिस्ला द्वारा गोल्डन मूवमेंट करनाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उन्होंने बताया कि इस मेले का उद्देश्य लोगों को चिकन एवं अंडे में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी देना है, जिससे बच्चों में कुपोषण को आसानी से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज भारत में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। चिकन एवं अंडा में वह सभी आवश्यक तत्व है जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। इस मौके पर ब्रायलर ब्रीडर एसोसिएशन के चेयरमैन रवि सभरवाल ने बताया कि पोल्ट्री व्यवसाय कृषि व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है। इस व्यवसाय से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर यह व्यवसाय ग्रोथ नहीं करेगा तो रोजगार की समस्या पैदा होगी। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि अंडे को सरकार स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील में भी शामिल करे, ताकि बच्चों में कुपोषण की कमी को आसानी से दूर किया जा सके। इस अवसर पर एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। लेकिन हमारी जो सरकार है यहाँ पे मनोहर लाल जी थोड़े धार्मिक किस्म के आदमी है, तो यहाँ हमने कोशिश की है लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। कुछ स्टेक है जहाँ पे मतलब अंडा वगैरह है आदमी है, आपका तेलंगाना के अंदर है और आपका नीचे झारखंड महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल सारे स्टेट में मिड डे मील में अंडा दिया जाएगा। सर ये कोई भी जैसे मुर्गा बकरा काटते हैं उसके लिए नगर निगम की एक अथॉरिटी है जो अपनी स्टैंप लगाएगी, तो आपकी ये जो कटिंग होगी मुर्गे जो आप लोग काटो कहाँ काटोगे उसके लिए निगम से अनुमति ले ली आपने क्या? ये ऐसे है मुर्गा हमने मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो मुर्गा हमने जो लिया है वो हमने परचेज किया है और उसके बाद जहाँ इसकी कटाई होनी है जो रजिस्टर्ड कटर है जिसने दो प्राइस है उससे करवा के आज तक जो भी काम किया है वो मतलब प्रोडक्शन के ऊपर तो काम किया है, हमने प्रोडक्शन बढ़ा ली लेकिन उसके लिए मतलब कंजम्पशन के लिए जो काम पहले होना चाहिए वो काम नहीं कर पाए, लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए क्या हो गया प्रोडक्शन होगी ज्यादा और उसके हिसाब से कंजम्पशन उसके हिसाब से बढ़ी नहीं तो मार्केट में जो हमारी लागत है लागत भी अब पूरी नहीं होती, इसलिए हमारा ध्यान क्यों ना मतलब इसकी प्रमोशन की तरफ ध्यान दें ताकि मतलब बिजनेस बढ़िया रहे और लोगों का साथ मिले। नहीं सर मेरा सवाल ये है प्रमोशन के लिए अब आप चाहते हो कि किसी को अंडा या मुर्गा खिलाना, अब वो तो जो नहीं खाता वो नहीं खाता आप उसको कैसे शुरुआत करोगे? यहाँ तो वही आएंगे जो खाते हैं, प्रमोट कैसे करोगे? प्रमोशन के पीछे क्या ऐसे कैसे प्रमोट करोगे आप? नहीं ऐसे ना माले काफी लोग खाना चाहते हैं उनकी पहुंच में नहीं है और एक उनको फ्री में पहुंच में नहीं है तो नहीं रहेगा वो, नहीं उसके लिए लोगों के अंदर नॉलेज भी नहीं है मतलब अगर मतलब ये क्यों खाए हम दूध से काम चला ले या उसे ऊपर ले तो उसके बारे में हम उनको ये भी बताएंगे ना कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो बेस्ट प्रोटीन है और मतलब दूध और उससे सस्ता होता है। कितनी मतलब तो काउंटिंग हो जाएगी परिवार की, हाँ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जितने घर का अवस्था के अंदर महिलाएं हैं उनको चिकन और अंडा अगर मिले तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो मेरे हिसाब से कुपोषण का शिकार नहीं होगी, वो स्वस्थ पैदा होगी और सबसे सस्ता जो इसके अंदर पौष्टिक तत्व है प्रोटीन वगैरह है वो सबसे सस्ता है, दूध हो गया या आपके दालें वगैरह होगी सबसे सस्ता पड़ता है। आप इसको कैलकुलेशन करें देखें तो काफी मतलब इकोनॉमी सही हिसाब से मतलब ये हुआ है काफी सस्ता पड़ता है।
तो इसलिए हमने वो किया। और दूसरा इसके साथ साथ ये मानिए, मान लो हम इसकी प्रमोशन करते हैं उसके कारण कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ेगी तो हमारे देश में इसके लिए रोजगार बढ़ेगा, तो उसके लिए नए नए कार वगैरह खोलने पड़ेंगे, तो वहाँ रोजगार के साधन हो गए। आज तक जो भी पोल्ट्री सेक्टर है हमने बगैर सरकार की सहयोग से, हमारा जो आज के दिन है तो 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर हमारा एक साल के अंदर पूरे भारत में है, जिसके अंदर सरकार का कोई सहयोग नहीं है। और हम चाहते हैं मतलब इस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया जाए ताकि रोजगार के अवसर भी पैदा हो और हमारे लिए हमारे देश के अंदर मतलब स्वस्थ जीवन लोग जी सकें और कुपोषण का शिकार ना। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।